हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ आलू बैंगन की चटपटी और मज़ेदार रेसिपी, जिसे आप आसानी से अपने घर पर बना सकते हैं। जल्दी से शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, मैंने बैंगन को इस तरह लंबाई में काट लिया है, जिसे मैं अब सरसों के तेल में तलने वाली हूँ। तो इस तरह मैंने इसे सरसों के तेल में डाल दिया है तलने के लिए। आप कोई भी तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर किसी भी सूखी सब्ज़ी में सरसों के तेल का जो मज़ा है वो किसी और तेल में नहीं है। इसका अपना ही एक अरोमा है जो हर सूखी सब्ज़ी को बहुत ही मज़ेदार टेस्ट देता है। तो बैंगन के बाद इस तरह मैंने लंबाई में आलू को भी काट लिया है, जिसे मैं बचे हुए तेल में इस तरह सौते करने वाली हूँ। हमें आलू और बैंगन दोनों को पकाना नहीं है, बस 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई या सौते कर निकाल लेना है। तो ध्यान रखिएगा कि आलू और बैंगन दोनों ही गलने नहीं चाहिए तेल में। उसके बाद मैंने उसी पैन में थोड़ा सा और तेल डाला है, और अब मैं इसमें डालूंगी 2 चम्मच गार्लिक कटा हुआ यानी कि लहसुन, 1 छोटा चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच हींग और 1 छोटा दालचीनी का टुकड़ा। इन सभी को 2 मिनट के लो फ्लेम पर हम सौते करेंगे, और उसके बाद इसमें डालेंगे प्याज कटे हुए। मैंने यहाँ पर एक बड़ा प्याज लिया है, जिसे मैंने हैंड चॉपर में चॉप कर लिया है। इन्हें हम ट्रांसलूसेंट होने तक पकाएंगे, और उसके बाद हम इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 चम्मच। पेस्ट डालने के बाद इसे अगेन 2 से 3 मिनट के लिए सौते कर लेना है। उसके बाद इसमें बारी आएगी मिलाने की टमाटर। टमाटर मैंने यहाँ पर एक बड़ा टमाटर लिया है, जिसे मैंने अगेन हैंड चॉपर में चॉप कर लिया है। आप इसकी प्योरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टमाटर डालने के बाद यहाँ मसाले डालने की बारी आएगी। मैंने यहाँ डाला है नमक और मिर्च, आप स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर और 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी। आप मसाले अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इन सबको अच्छी तरह मिलाने के बाद हम इसका ढक्कन लगा के 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाएंगे। उसके बाद इसमें थोड़ा पानी मिलाएंगे, और 1 उबाल आने के बाद इसमें जो हमने सब्ज़ी फ्राई की थी वो मिला देंगे, यानी कि आलू और बैंगन। सब्ज़ी को मसाले में अच्छी तरह मिलाने के बाद इसे हम फिर से ढक्कन लगाकर 7 से 8 मिनट के लिए लो फ्लेम पर ही मिक्स होने देंगे। अब क्योंकि हमने इसे पूरी तरह गलाया नहीं है, तो 7 से 8 मिनट में ये लगभग 80% तक पक जाएगा। ढक्कन हटाने के बाद आप देख सकते हैं कि ये लगभग पक गया है, लेकिन अभी भी इसमें थोड़ी कसर बाकी है। मैं आपको इसमें आलू एक निकाल कर उसको काट कर दिखाती हूँ। ये देखिए, इसको जब मैं काट रही हूँ तो थोड़ा एफर्ट लग रहा है, यानी ये 20% अभी भी पकना बाकी है। तो अब हम इसके फिर से ढक्कन लगा देंगे, और बाकी का जो बचा हुआ पकना है वो हम तवे के ऊपर इस्तेमाल करेंगे। यानी कि पहले तवा रखेंगे कोई भी लोहे का, और उसके ऊपर कढ़ाई रखेंगे। इसे 5 मिनट के लिए तवे पर ही पकने देंगे, और उसके बाद ये जो बाकी का बचा हुआ पकना है ना, वो अभी तक हो जाएगा। ये देखिए, मैं फिर से आपको आलू को अभी काट कर दिखाती हूँ। ये देखिए, ये बिल्कुल आसानी से कट गया। ये पूरी तरह से पक चुका है और बिल्कुल भी कढ़ाई से नहीं चिपका है। बहुत ही स्वादिष्ट देखने में लग रहा है, और अब टाइम है इसको सर्व करने का। बहुत ही चटपटी और मज़ेदार रेसिपी है, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी।